जय माता दी भक्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार जो है वो शक्ति के नौ रूपों को समर्पित है। अश्विन माह में मनाई जाने वाली इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नौ दिनों में देवी ने अलग अलग रूप धारण करके असुरों का संहार किया था और संसार की रक्षा की थी। इसलिए इस दिन माँ के नौ रूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। तो दोस्तों, घर के मंदिर में माता की मूर्ति की स्थापना की जाती है, कलश बिठाते हैं, जौ उगाते हैं और सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इन नौ दिनों में देवी के अलग अलग रूपों को अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि इनसे देवी प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के नौ दिनों के बारे में, जो माँ दुर्गा की पूजा का विशेष पर्व है। तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है दोस्तों, और उनकी आराधना से शक्ति और साहस मिलता है। और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, ये भक्ति और तप की देवी है माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और माँ चंद्रघंटा जो है शांति और साहस की प्रतीक हैं। और चौथे नवरात्रे के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, ये समृद्धि और खुशहाली की देवी हैं। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है और ये माँ का रूप है जो संतान सुख प्रदान करती है। छठे नवरात्रे के दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ कात्यायनी जो है वो राक्षसों का नाश करती है। और सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा। और दोस्तों, माँ कालरात्रि जो है तामसिक शक्तियों का नाश करती है। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है और महागौरी माता जो है शुद्धता और ज्ञान की देवी हैं। और दोस्तों, नौवें दिन का नवरात्रा जो है उसमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और माँ सिद्धिदात्री जो है सभी सिद्धियों की दाता हैं। और दोस्तों, नवरात्रि का ये पर्व जो है हमें शक्ति, भक्ति और प्रेम का संदेश देता है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।